Hello friends, welcome back to my YouTube channel Science by AD Sir. Dear students, in this video we are going to start such an amazing topic which is related from bio, and our today's topic is human heart. First of all, this is the topic since we learn from 6th standard, and as far as our standard will increase, such important materials and facts are added in this topic. So first of all, discuss what is human heart. Human heart hota kya hai? Human heart is a red colored closed fist shaped hollow organ which is made up of muscular tissues. यानी आपका जो human heart होता है या मानव हृदय होता है वो एक बंद मुट्ठी के आकार का खोखला organ है या अंग है जो circulatory system के अंदर बहुत बड़ा role play करता है. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी location की बात कर लेते हैं. तो location की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि आपका जो human heart है वो कहाँ होता है. First of all, लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट इन ह्यूमन बॉडी. लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज इन थोरेसिक कैविटी. ये आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है. थोरेसिक कैविटी में कहा? बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में. साथ ही ये आपकी स्लाइटली एंड बिहाइंड द ब्रिस्ट बोन. यानी या आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, लंग्स के बीच में होता है, और आपकी जो ब्रिस्ट बोन है उसके जस्ट पीछे और थोड़ा सा साइड में, यानी हल्का सा टिल्टेड किया होता है लेफ्ट पार्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की और इसके वर्किंग की. तो जब भी हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ेंगे तो बायो का एक रूल होता है, जब भी हम किसी डायग्राम को देखते हैं तो वो हमारी तरफ फेस किया होता है. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, और लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो इसमें राइट होगा, और जो आपका राइट पार्ट है वो इसमें लेफ्ट होगा. तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा राइट साइड. ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम हर्ट को एक रफ इमेज से समझते हैं, कंसीडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर हर्ट की एक रफ इमेज बना दी है, और उस इमेज को मैं चार इक्वल पार्ट्स में यानी वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल कर देता हूँ. पहली बात तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, उसका रीजन हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में. तो पहली बार ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिर्फ आपको इसको गेस करना है, आपको इसको सिर्फ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे मुझे इसके चार पार्ट नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, चैम्बर. क्या कहेंगे, चैम्बर. तो इस तरह से आपकी ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी दो ऊपर और दो नीचे. अगर मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ह्यूमन हार्ट को डिवाइड करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या मिल रहे हैं, दो दो चैम्बर है. यानी ये आपके ऊपर वाले हो गए दो, और ये आपके नीचे वाले दो. जो ऊपर वाले जो हमारे चैम्बर है उसे हम कहेंगे आट्रियम. क्या कहेंगे, आट्रियम. अब देखिए अगर हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपका आट्रियम है जस्ट ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन जहां पर मैं एचिंग कर रहा हूं. तो देखिए इस पार्ट को हम कहेंगे इट इज अवर लेफ्ट आट्रियम. उसी तरह से आपके राइट साइड में भी होगा. तो राइट साइड में कहाँ है वो पोर्शन, ये वाला पोर्शन यानी वो ये चैम्बर है, इसे हम कहेंगे राइट आट्रियम. ठीक है फ्रेंड्स,
अब नीचे वाले चैम्बर की बात करें तो वापस आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो नीचे वाला चैम्बर यानी कि ये, इस चैम्बर को हम कहेंगे इट इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेम उसी तरह आपके राइट साइड में भी जो नीचे वाला जो चैम्बर होगा उसे हम क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये देखा जब हम हर्ट को वाई एक्सिस पर डिवाइड कर रहे थे या सिमेट्रिकल कर रहे थे तो हमें हर एक साइड में यानी लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, हर साइड में हमें एक पेयर मिल रहा था जिसका एट्रियम का और वेंट्रिकल का, एट्रियम का और वेंट्रिकल का। अब देखिए इससे पहले वाले पॉइंट की तो मैंने आपको बताया था कि ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपको भूल गया बीच में पॉइंट था कि जो आपके आर्ट्रियम है वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं वेंट्रिकल से, तो हमें ध्यान रखना है वेंट्रिकल साइज में बड़े होते हैं। और साथ ही ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये थोड़ा सा टिल्टेड है किस साइड में, लेफ्ट साइड, इसलिए हम इसको हार्ट को लेफ्ट में मानते हैं, जबकि ये लेफ्ट में नहीं होता, ये आपके मिड रिब के सेंटर में होता है यानी चेस्ट के सेंटर में होता है। चलिए अब आपका जो आर्ट्रियम था और जो वेंट्रिकल था उन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दोनों साइड में देखने को मिल रहा होगा, इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो जो आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड का वो पार्ट जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और स्टूडेंट्स इसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। और स्टूडेंट्स इसे हम शॉर्ट में लेफ्ट एवी वॉल्व भी कहते हैं। तो चाहे आप इसको लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोल लीजिए या बाइकस्पिड वॉल्व बोल लीजिए या शॉर्ट में एवी वॉल्व, लेफ्ट एवी वॉल्व बोल लीजिए या फिर से मिट्रल वॉल्व बोल लीजिए, यानी ये वाला था, ये वॉल्व क्या कर रहा है आपके लेफ्ट वाले एट्रियम और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में भी जो आपका राइट वाला आर्ट्रियम है और राइट वाला जो वेंट्रिकल है उसको एक सेपरेट एक पोर्शन है जो क्या करता है, एक हम कह सकते हैं एक थिंग है जो क्या कर रही है, इनको कनेक्ट कर रही है, यानी आपके वेंट्रिकल को और आर्ट्रियम को जो कनेक्ट कर रहा है इस साइड का ये स्ट्रक्चर से हम क्या कहेंगे, राइट में है तो इसे हम कहेंगे राइट एट्रियो वेंट्री कूलर वॉल्व, इसे हम राइट एंट्रियो एट्रियो वेंट्री कूलर वॉल्व कहेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी जो आपके राइट साइड के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं या हम उसे शॉर्ट में राइट एवी वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स की। अब देखिए हमने पहले नोटिस किया है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में आपके पास एक पेयर हो चुका है आर्टियम का और वेंट्रिकल का। अब जो वो मेम्ब्रेन जो हर्ट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है, जैसा कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो हर्ट है वो आपका थिक मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना है, उस तरह एक मेम्ब्रेन है डबल बोन मेम्ब्रेन, वो क्या कर रही है हर्ट को चारों तरफ से एक्सटर्नल शॉक से बचा रही है। तो
उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे उसे? पेरिकार्डियम। और दिस पेरिकार्डियम कंटेन्स अ पेरिकार्डियम फ्लूइड, यानी इस पेरिकार्डियम में आपके पेरिकार्डियल नामक रक्त बहता है, पेरिकार्डियल ब्लड। एंड दिस पेरिकार्डियल ब्लड प्रोटेक्ट हर्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल सोर्स। और यही पेरिकार्डियल ब्लड क्या करता है, आपके हर्ट को एक्सटर्नल सोर्स से बचाता है। अब देखिए बीच में भी एक मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, आपके लेफ्ट वाले पार्ट और राइट वाले पार्ट को सेपरेट कर रही है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेप्टम। क्या कहेंगे इसे? सेप्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ रिमेम्बर रखना है, जो आपका सेप्टम है वो भी डिवाइड हो रहा है, इट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड। जो आपका एटम वाला पार्ट है, यानी कंसिडर एक रफ इमेज से हम यहाँ देख लेते हैं, रफ इमेजनरी लाइन हमने यहाँ बना दी है। इस इमेजनरी लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो पार्ट आपका एटम में आ रहा है सेप्टम का, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिखे हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका एटम वाले पार्ट में जो सेप्टम आ रहा है उसको हम कह रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट में आ रहा है उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये है दो स्टूडेंट्स, यानी जो आपका आर्ट्रियम वाला जो पार्ट था सेप्टम का उसको हम कह रहे थे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और जो आपका वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा था सेप्टम का उसको हम कह रहे थे वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो आपको डक्ट्स दिखी होगी इसे हम कहते हैं वेना कावा, वेना कावा। अब देखिए यहाँ पर ये दो है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो जो ऊपर वाली है उसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली है उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जो आपका इंफीरियर वेना कावा है वो आपके बॉडी के अपर पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, यानी कि आपके शोल्डर से ऊपर वाले हिस्से को, आपके शोल्डर्स हो गए हैं, आपका हेड हो गया, उन जगह से इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं, अपर पार्ट से ब्लड को लेके आते हैं, कहाँ? हर्ट के अंदर। और जो आपका सुपीरियर वेना कावा है ये आपके शोल्डर से नीचे, यानी नीचे वाले हिस्सों से इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले को हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा और नीचे वाले को हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। क्लियर है? देखिए उसके बाद में एक पॉइंट छोटा सा रह गया था, जब हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बात कर रहे थे तो वहां पर आपको देखना होगा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर है तो मिलता जुलता पर कुछ चेंजेस है। देखिए यहाँ पर जब हम बाइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो वहां पर हमें सिर्फ दो प्लेट मिलेगी, क्या मिलेगी? सिर्फ दो प्लेट। और जब हम ट्राइकस्पिड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर हमें इमेज में तीन मिलेगी। आप इमेज को क्लियरली देखिए, यहाँ पर जब ट्राइकस्पिड की बात करें तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर तीन प्लेट है, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ फ्लैप्स थ्री फ्लैप्स। फ्लैप्स की बात करें तो फ्लैप्स एक्चुअल होता क्या है, फ्लैप्स एक झिल्ली होती है, यानी जो आपके आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो एक फ्लैप स्ट्रक्चर है, एक झिल्ली नुमा है। जैसे ही आपका ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ आता है, बाकी कहाँ कलेक्ट होता है, फर्स्ट बात करें हम पहला जो आपका चैम्बर था तो कहाँ आके कलेक्ट होता है, राइट एट्रियम में। जैसे राइट एट्रियम में आके वो ब्लड कलेक्ट होता है आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और ट्राइकस्पिड वॉल्व किस तरह से ओपन होंगे, ये फ्लैप स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। अब ये क्या है, नॉन रिटर्निंग वॉल्व का काम कर रहे हैं,
एक बार गणित में एंटर होने के बाद अगर ये वेंट्रिकल फिल हो गया तो जैसे जैसे ब्लड उस वेंट्रिकल में फिल होगा वैसे वैसे वो क्लोज होते जाएंगे और फिर वो नॉन रिटर्निंग का काम करेंगे, मतलब वापस उससे ब्लड रिटर्न या रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड में आपके तीन फ्लेक होती है और अगर हम बाइकस्पिड की बात करें तो यहाँ पर हमारे दो फ्लेक होती है। एक छोटा सा पॉइंट था, आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे नहीं जाते हैं हम, अब इसके हम वर्किंग को समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। देखिए इंफीरियर वेना कावा से आपका इंप्योर ब्लड ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है और सुपीरियर वेना कावा से आपका इंप्योर ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले पार्ट से आ रहा है, ठीक है। ये वेना कावा सब करके ब्लड को कहाँ डाल रही है, आपके राइट आर्टेरियम में। राइट आर्टेरियम में फिल होने के बाद ये फुल हो चुका है और फुल होते ब्लड कहाँ एंटर कर गया, आपके राइट वाले वेंट्रिकल में। कहाँ एंटर कर गया है, राइट वाले वेंट्रिकल में। देखिए जैसे राइट वाले वेंट्रिकल में ब्लड आके इकट्ठा होगा, आपके जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे हर्ट एक एक्शन क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन यानी संकुचन। संकुचन से क्या होगा, सारा ब्लड प्रेशराइज होके इसके थ्रू कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो एक टी के शेप में है तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड कहाँ चला गया है, टू लंग्स, टू द लंग्स, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ फिर रह चुका है, देखिए जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड एंटर हो रहा है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म है जो फ्लैप टाइप का, यानी यहाँ पे भी होल है और इस होल को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल। ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है, ये वॉल क्या कंटेन करता है, यानी इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पर तीन फ्लेप है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन रिटर्निंग, अगर इसमें भी एक बार ब्लड एंटर हो गया तो वापस रिटर्न होके नीचे वेंट्रिकल में वापस नहीं आएगा। अभी आपके दो पार्ट में, यानी दो लंग्स है, तो एक आपकी चली गई लेफ्ट वाले लंग्स के लिए और दूसरी चली गई राइट वाले लंग्स के लिए। अब आपका इंप्योर ब्लड यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो लंग्स के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या करता है, उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेता है और ऑक्सीजन मिक्स करके वापस उसको थ्रू द, अब देखिए लंग्स से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का काम कौन कर रहा है, आपका पल्मोनरी, पल्मोनरी विन, पल्मोनरी विंस। ये पल्मोनरी विंस आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या प्योर ब्लड को लंग से लेके कहाँ हो गई है, आपके लेफ्ट वाले आरटीएम में। सेम प्रोसीजर है, अब ब्लड आपका प्योर होके आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड होके आया है, आखिर कहाँ इकट्ठा हुआ हो, आपके लेफ्ट वाले एटीएम के अंदर। अब जैसे लेफ्ट एटीएम फिल होगा वापस से आपका बाइकस्पिड बॉल इस तरह से झुकेगा यानी ओपन होगा और सारा ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा, आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल यानी इस वाले हिस्से में। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा वापस से आपके जो बाइकस्पिड बॉल है वो एक प्लेट स्ट्रक्चर है तो वो क्लोज हो जाएगा, वापस से ब्लड को रिटर्न नहीं होने देगा। अब यहाँ पर वापस से आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन का एक्शन करेगा यानी संकुचन होगा, सिकुड़ेगा ये वाला वेंट्रिकल, सारा ब्लड आपके इस वाली पिन यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे एरोटा, ठीक है। और देखिए इस एरोटा को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी यानी हमारी बॉडी में सबसे लंबी आर्टरी होती है
अब आपका ब्लड जो प्योर होके कहाँ गया था, इस वेंट्रिकल के अंदर यानी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर, अब ये एरोटा के थ्रू यहाँ पे फिर एक मैकेनिज्म आ गया और यहाँ वाले मैकेनिज्म में और पल्मोनरी वाले मैकेनिज्म में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर सिर्फ दो ही प्ले थे, यानी ये भी एक नॉन डिटर्मिंग बोल का काम करती है और इसे हम यहाँ पे छोटे से पॉइंट पे लिखा हूँ, देख लेना, इसे हम कहते हैं एरोटिक बॉन्ड। इसे हम कहते हैं एरोटिक बॉन्ड। ये एरोटिक बॉन्ड ओपन होगा और आपका सारा प्योर ब्लड एरोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, हर्ट साइकिल। क्या कहते हैं इसे, हर्ट साइकिल। तो एक बार हम वापस वर्किंग समझ लेते हैं। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से जो प्योर ब्लड को लेके आ रही है वो है आपकी इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा उस ब्लड को लाके कहाँ डाल रही है, आपके राइट वाले एट्रियम में। जैसे ही राइट एट्रियम फिल होगा फिर आपका राइट कस्पिड बॉल ओपन होगा और सारा ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा, राइट वाले वेंट्रिकल में। अब ब्लड आपका कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगा, संकुचन का काम करेगा, सारा ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स में। दो ये आपके दो वे हैं, यानी एक आपके लेफ्ट वाले लंग में जाएगा और एक आपके राइट वाले में। लेफ्ट वाले में वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें चेंज हो चुका है, अब आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेंस लेके आ रही है, कहाँ से, लंग से। वो लाके कहाँ डाल देगी उस प्योर ब्लड को, आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। आर्टरियम के पास नीचे जस्ट क्या होता है, वापस से एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल या बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल या शॉर्ट में कहें तो लेफ्ट एवी वॉल। ये लेफ्ट एवी वॉल ओपन होगा, अब सारा ब्लड आपका कहाँ आके इकट्ठा हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होने के बाद वापस से कॉन्ट्रेक्शन का एक्शन क्रिएट करेगा और सारा ब्लड आपके थ्रू द एरोटा डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। इस तरह से आपका हार्ट है इस साइकिल को दोहराता रहता है, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करें हार्ट के वेट की। सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट के वेट की, तो द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 300 ग्राम। अगर हम एवरेज वेट की बात करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट of human heart is about 300 ग्राम। यानी आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसका एवरेज वेट, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेट की, ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेट की यानी वजन की। तो एक अडल्ट के बात करें हम, तो अडल्ट का जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन का हार्ट का वो होता है 300 ग्राम। पर हम इसे अगर एज वाइज पढ़ते हैं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एजेस, तो एजेस की जगह मैं बात करता हूं तो 31 से लेके 40 की एज में, और हम बात करें किसकी, मेल की, तो आपके मेल का कितना हो जाएगा, 289.6। और अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की अगर बात करें तो आपके फीमेल का होगा 284.7 ग्राम है, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं वापस इस 61 से 70 की बात करूं, तो इन मेल्स की अगर हम बात करते हैं तो 345.9 ग्राम, और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो 285.1 ग्राम। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। देखिए
मैंने यहाँ पे 31 से 40 और 61 से 70 ही एज का क्यों बताया, ठीक है? क्योंकि देखिए 31 से 40 ही एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके ह्यूमन की जो वेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और 70 तक वो इंक्रीज होता था, तो 70 के बाद में हार्ट का वेट गेन होना बंद कर देता है, इसलिए मैंने आपको दोनों एजेस बताई है। और अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, एक नवजात शिशु की बात करें हम, तो हम देखेंगे द एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज, मैं लिखा हूं यहां, द एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज ओनली 20 ग्राम। जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, अगर हम एक नवजात शिशु की बात करें या न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसका एवरेज वेट होता है हर्ट का ओनली 20 ग्राम, काफी कम है ये। चलिए अब हम बात करते हैं, वेट की बात हो चुकी है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आगे हम बात करेंगे इसके पंपिंग कैपेसिटी की, यानी आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में कितने लीटर ब्लड को पंप कर चुका होता है। तो हम एवरेज पंपिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो आपका ह्यूमन हार्ट एक मिनट में अबाउट 3 लीटर, और एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो 2.75 ml, सॉरी लीटर ब्लड को एक मिनट में आपका ह्यूमन हार्ट पंप कर देता है, ह्यूमन हार्ट पंप कर देता है, यानी 2.75, यानी 2 लीटर 750 ml ब्लड को एक मिनट में पंप कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए ताकि आपको डेटा इरेज ना हो। हमने इसके वेट की बात कर ली है, स्टार्टिंग में लोकेशन की बात कर ली थी, अब उसके बाद हमने इसके पंपिंग कैपेसिटी की बात कर ली थी कि एक मिनट में कितना है आपके ब्लड को पंप कर सकता है, ठीक है। अब देखिए द एक इम्पोर्टेंट टर्म है द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, यानी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रेक्शन है संकुचन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। एंड द रिलैक्सेशन, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, और जो आपके रिलैक्सेशन का जो प्रसारण का जो मेथड होता है, तरीका होता है हार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो कॉन्ट्रेक्शन की बात करेंगे सिस्टोल और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो डिस्टोल। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी इससे रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर आगे चलते हैं हम, अब हमने देखा कि जो आपका ह्यूमन हार्ट था उसमें जो ब्लड था वो दो बार आया और गया, यानी यहाँ पर दो बार आपका ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर एंटर हुआ, आपके हार्ट के अंदर एंटर हुआ और फिर वापस डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के गया। तो देखिए आपके जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो दो तरीके से होता है, एक होता है सिस्टमेटिक और दूसरा होता है पल्मोनरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिस्टमेटिक कैसे होगा, पहले वेना कावा द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इनपुट ब्लड को सक किया गया और कहां डाला गया, आपके राइट वाले आरटीएम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आपका हो गया सिस्टमेटिक, फिर उसको वापस कहां भेज रहा था, वो लंग्स में। अब तो जब तक लंग्स में भेज रहा था तो सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से गेन किया उसको कहां तक पहुंचा दिया, लंग्स तक, टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये सारा प्रोसेस हो गया आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर हम बात करें पल्मोनरी की, तो जब आपकी पल्मोनरी वेन्स उस
इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के बाद वापस लेके आती लंग्स से और कहाँ लाके डाल रही थी, आपके लेफ्ट वाले आर्टरी में, और आर्टरी से फिर वो बाइकस्पिड बोन को एंटर करते हुए कहाँ एंटर कर गया था, आपके वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद में एरोटा के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा था, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। किस तरह से आपके हट के दो सिस्टम थे, सिस्टमेटिक तरीके से एक तो सर्कुलेशन कर रहा था, दूसरा था पल्मोनरी, जो हम पढ़ेंगे आप अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, ये वहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई होप टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।